नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं जून के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1212 यूनिट बिकी है। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 331 यूनिट बेचकर 9वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये 10वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,04,000 रुपये से शुरू होकर 11,58,000 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है महिंद्रा की XUV 300। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1812 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1257 यूनिट बेचकर चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 5 पोजीशंस नीचे खिसक कर 9वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी 8,30,000 रुपये से शुरू होकर 12,69,000 रुपीस तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है MG की हेक्टर। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,867 यानी कि 1,867 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 672 यूनिट बेचकर छठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 2 पोजीशन नीचे खिसक कर यह 8वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 12,74,000 रुपीज़ से शुरू होकर 17,73,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 2,574 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की केवल 713 यूनिट्स ही बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से स्कॉर्पियो आपको 11,98,791 रुपये से शुरू होकर 15,52,542 रुपये तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में छठे पायदान पर आई है टाटा की नेक्सॉन। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 3,040 यूनिट्स ही बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 623 यूनिट बेचकर 7वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये छठे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,95,000 रुपीज़ से शुरू होकर 12,70,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है महिंद्रा की बोलेरो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 3,292 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1,715 यूनिट बेचकर दूसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन नीचे खिसक कर ये 5वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,76,550 रुपीज़ से शुरू होकर 8,78,169 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी है दोस्तों इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है ह्युंडई की वेन्यू। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 4,129 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी मात्र 1,242 यूनिट बेचकर 5वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये चौथे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से वेन्यू आपको 6,70,000 रुपीज़ से शुरू होकर 11,50,500 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की ब्रेजा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 4,542 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 572 यूनिट बेचकर 8वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 5 पोजीशन ऊपर उठकर ये तीसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,34,000 रुपीज़ से शुरू होकर 11,15,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों किया की सेल्टॉस। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 7,114 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1,611 यूनिट बेचकर तीसरे पायदान पर थी,
लेकिन इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी दूसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 16,39,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में अब नंबर वन के पायदान पर फिर से एक बार आई है दोस्तों ह्युंडई की क्रेटा। जून के महीने में पूरे भारत में क्रेटा की 7,202 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 3,212 यूनिट बेचकर भी नंबर वन के पायदान पर ही कायम थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो जून के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUVs की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।